जब हमें इसका पता लगा था, इसके डायग्नोस हुआ था, 3 महीने के थे जब पहली बार खून चढ़ा था इसको। और फिर एम्स में हम लोगों ने टेस्ट कराया तो पता लगा कि भाई ये बच्चे जो हैं 8-9 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहते हैं। तब मैं बहुत रोती थी, क्योंकि ये हंसती थी तो मेरा रोना निकलता था, कि मैं अंदर ना मेरे एक डर सा बैठ गया था कि ये चली जाएगी। फिर थोड़ी सी ये समझदार हुई तो इसने पापा को बोला कि पापा मम्मी को बोलो मेरे सामने रोया मत करें। ये शायद 6-7 साल के थे। बोले क्यों बेटा, मम्मी हैं? बोले नहीं, मेरे को जब भगवान ने जितनी भी ज़िंदगी दी है मैं हंस के जीना चाहती हूँ, तो इसलिए मम्मी रोती हैं तो मेरा मन दुखता है। तब मैंने जो है ये मन में ठाना, ये नहीं कि मैं रोती नहीं हूँ, मेरी बेटी है तो मेरे को अब दुख लगता है, मैं अकेले में रोती हूँ कई बार, लेकिन तब मैंने ये प्रण लिया था कि मैं इसके सामने नहीं रोऊंगी कभी भी। इच्छा शक्ति इसकी है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने आज तक, ये 39 साल की हो गई है, आज तक मेरे को एक भी लम्हा ऐसा याद नहीं है कि इसने कभी उफ किया हो। हम इसका फेस से देख के हमें लगता है कि इसको कुछ हो रही है तकलीफ, तो हम पूछते हैं, कहते हैं मम्मी नहीं ठीक हूँ मैं। Till a few years ago, my introduction was my name, and that I'm daughter of Mr. and Mrs. Arora, and a patient of Thalassemia Patient. But that wasn't enough for me, and today I'm a novelist. I have authored 2 novels. I'm a multi-award-winning blogger, and despite all my medical problems, and despite working from home, I'm capable enough and dedicated enough to be awarded Employee of the Year. Yes. शायद 2-3 साल की रही होंगी। मेरी मम्मी शक्ति निकेतन, वहाँ पे एक छोटी सी ब्रांच थी, तो उधर पढ़ाने जाती थी, प्राइमरी स्कूल था। नया सेशन शुरू हुआ वहाँ पे, मतलब सारी बुक्स सजी हुई थी कि बच्चे आके ले जाएंगे यहाँ से, तो मेरे को इतनी अट्रैक्शन हो रही थी उन बुक्स से, मतलब ऐसे उनकी जो प्रिंटिंग की खुशबू होती है, तो ऐसा लग रहा था बस एक बार जाके छू लूँ, फ़ोटोज़ देख लूँ। वो कहीं पे सस्पेंस पे अटक गई, तो सोया, नींद नहीं आ रही थी मेरे को, तो दरवाजे मतलब खिड़की पे पर्दा हटा के मैं बाहर से जो ट्यूबलाइट की रोशनी आई थी उसमें बैठ के मैंने नॉवल पढ़ा खाली, कि ख़त्म तो करना है। तो जब मैं वही बुक्स पढ़ रही थी तो मतलब मेरे दिमाग में ये आया कि मतलब जिनकी इतनी सालों पहले लिखी हुई बुक्स मैं अब पढ़ रही हूँ, इन्जॉय कर रही हूँ, तो मेरी बुक्स भी कोई इन्जॉय करे। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि नॉवलिस्ट बनना है मैंने। थैलेसीमिया एक्चुअली एक जेनेटिक बीमारी है, तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे मदर और फादर दोनों में थैलेसीमिया की जीन्स हैं, तो तभी जो बच्चा है उसमें थैलेसीमिया मेजर आ सकता है। तो माइनर तो कोई बीमारी नहीं है, वो तो मतलब बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता लोगों को, मगर मेजर अगर हो जाए तो उसमें यह है कि आपका ब्लड बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसलिए रेगुलरली आपको 15 दिन में या 20 दिन में ब्लड चढ़वाना पड़ता है। बट रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो जाते हैं, फिर उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा मतलब इसको हम डिसऑर्डर कहते हैं कि एक चीज़ आपकी प्रॉब्लम है तो बाकी सब चीज़ें भी प्रॉब्लम होती जाती है। थैलेसीमिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत एक तो यह है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको रेगुलरली कराना पड़ता है, तो सेफ ब्लड मिल जाए वो भी बहुत मुश्किल बात है, कई तरह के इन्फेक्शन इंक्लूडिंग HIV का रिस्क रहता है। जब मैं 7th क्लास में थी तो तब काफ़ी मतलब साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह, काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे मेरे को, तो उस वजह से यह था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एबसेंट्स होने लग गई थी स्कूल में, और 8th क्लास में तो लगभग मैं मतलब बहुत ही कम जा पाई स्कूल। बट एक्चुअली ये था कि मतलब मेरे को लग रहा था कि अगर मैं नहीं पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूँगी देन आई विल बी इन्फीरियर, तो इसीलिए मैंने फिर बोला कि नहीं पढ़ाई तो कंटिन्यू करूँगी। फिर मैंने पत्राचार विद्यालय दिल्ली में, तो उसके थ्रू मैंने स्कूल पास आउट किया, उसके बाद फिर इंग्लिश ऑनर्स किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में MA इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंट्स नहीं होता था तब, तो वो फिर मैंने अनमला यूनिवर्सिटी से किया, मैंने फिर साइकोलॉजी में MA किया, और साथ ही मैंने एक क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स किया उस समय, साथ साथ फिर धीरे धीरे लिखना, आर्टिकल्स वगैरह लिखना शुरू कर दिया। मैं अभी तक 2 नॉवल्स पब्लिश हुई हैं, पहली मेरी नॉवल थी ड्रीमसेक, दूसरी मेरी नॉवल है लेमन गर्ल। इस
इसका एक्चुअली इलाज ये है कि खाली बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक तो बहुत महंगा है, दूसरा बहुत ही रिस्की है, तो इसलिए कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, कई लोग उतनी हिम्मत नहीं कर पाते। प्रिवेंशन बहुत आसान है, सस्ता सा टेस्ट होता है, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करा सकते हैं। इनफैक्ट कोशिश ये कर की जा रही है जो थैलेसीमिया सोसाइटीज़ है कि इस टेस्ट को कंपलसरी किया जाए। मैं ये कहना चाहती थी कि माँ बाप जो है लड़के और लड़की की कुंडली की बजाय, कुंडली मिलाइए आप, मैं वो मना नहीं करूँगी, लेकिन ब्लड सैंपल भी जरूर मिलाइए। मेरा नाम ज्योति अरोड़ा है। कुछ साल पहले तक मेरी इंट्रोडक्शन ये थी कि मैं एक थैलेसीमिया पेशेंट हूँ और मिस्टर एंड मिसेज अरोड़ा की बेटी हूँ, मगर अब मेरे को लोग जानते हैं कि मैं एक नॉवलिस्ट हूँ, एक ब्लॉगर हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉई हूँ। और ये संभव हो पाया क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं अपनी बीमारी से हारी नहीं और कोशिश करती रही कि अपने सपनों को सच कर पाऊँ।